हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फोर एडिशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में। हमने काफी जगह हमारे जो कोबाल 60 सोर्स में, रेडिएशन आइसोटॉप्स में ये वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर दो वर्ड है, स्पेसिफिक और दूसरी एक्टिविटी, तो दोनों को अलग अलग तोड़ के समझते हैं। पहली चीज थी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी होती है द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट। देखो हमारे पास एटम है, ठीक है, अगर वो रेडियो आइसोटोप है, उसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो वो क्यों निकलेगी? कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे, वो स्टेबल अवस्था को प्राप्त करना चाहेंगे, इसलिए वो रेडिएशन इमिट करेंगे या फिर पार्टिकल इमिट करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं एक्टिविटी, कि वो जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है अनस्टेबल का स्टेबल में, वो एक सेकंड में कितना हो रहा है, उस रेट को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट। समझ में आई आपको बात एक्टिविटी को? अगर आप एक्टिविटी समझ गए तो आप स्पेसिफिक एक्टिविटी को आसानी से समझ जाएंगे। तो समझे आप एक्टिविटी का मतलब कि अनस्टेबल न्यूक्लियस, मान लो कोई पदार्थ है उसमें बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। मान लो ये पांच है, इनमें से दो ही अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा पाए एक सेकंड में, पर सेकंड, एक सेकंड में जितने अनस्टेबल स्टेबल होंगे वो कहलाएगा आपकी एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी जब इसको मास से डिवाइड कर दिया जाए, कि अगर एक्टिविटी पर मास, तो कहलाती है स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब हमने बोल तो लिया कि एक्टिविटी अपॉन मास स्पेसिफिक एक्टिविटी, पर इसको हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है। देखो एक्टिविटी मतलब अनस्टेबल से स्टेबल में बदलना, लेकिन स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब है कि मास। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखो रुई और एक आपका लोहे का एक किलो का वाट, अगर हम देखें रुई कितना ज्यादा क्षेत्रफल घेरती है, आयतन कितना ज्यादा रहता है रुई का, और वहां वाट का इतना सा होता है, दोनों वजन बराबर लेकिन एरिया का अंतर है। इसी प्रकार स्पेसिफिक एक्टिविटी है, मान लो कोई सोर्स है, रेडिएशन सोर्स है, तो वो कितने मास के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कितने उसके डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं। मान लेता हूं मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, वैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है कोबाल्ट 60 और रेडियम का, ठीक है, दोनों अलग अलग रेडिएशन सोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट, मान लो ये आपका मार्कर है, एक कोबाल 60 है और दूसरा रेडियम का है, दोनों सेम रेडिएशन इमिट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, दोनों की स्पेसिफिक एक्टिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। इतने ही मटेरियल के अंदर जहां पे रेडियम मान लो 10 रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो कोबाल्ट 12 कर रहा है, मतलब कोबाल्ट की स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा है, वो कम मास के अंदर ज्यादा एनर्जी रिमूव कर रहा है, कम मास के अंदर उसमें बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मास का इसके अंदर खेल है पूरा। आपके पास बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, अब मान लो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए आपको ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब आप क्या चाहोगे, वो बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जो स्टेबिलिटी की तरफ प्राप्त करना चाह रहे हो, तो उसकी साइज बड़ी हो, हम चाहेंगे बहुत छोटे से छोटा, इसका मतलब उसका मास, उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, ताकि हमें कम से कम मास यूज करना पड़े। देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी, जितना कम मास होगा स्पेसिफिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो हमें कम से कम मास के अंदर ज्यादा एनर्जी मिल पाएगी, ठीक है, समझे आप इसको। और इसका काम क्या है स्पेसिफिक एक्टिविटी का? यही काम है इसका कि हमें रेडिएशन सोर्स को डिजाइन करने का, कि हम इसको इस तरह डिजाइन कर सके कि हमारा रेडिएशन सोर्स बहुत कम क्षेत्रफल घेरे, और कोबाल्ट 60 में ऐसा होता है कि वो कितने 3/4 सेंटीमीटर में ही आपका पूरा रेडिएशन सोर्स करता है 5 साल तक। सोचो इतनी से एरिया के अंदर इतने अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं और वो पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, किस रेट से, मैंने लिख रखी है देखो 10^12, एक सेकेंड में उसके 10^12 न्यूक्लियस अनस्टेबल हो रहे हैं पर सेकेंड, और ऐसा वो 5 साल तक, हाफ लाइफ, मतलब इतना 5 साल बाद तो हाफ लाइफ तक पहुंचता है वो,
तो सोचो उसमें कितने अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे इतने कम मास के अंदर। ठीक है, 1 ग्राम मास की बात हो रही है यहां पे। तो देखो यहाँ पे कोबाल 60 मैंने दोनों को अंतर करके समझाते हैं। पहले इसकी यूनिट पे आते हैं कि स्पेसिफिक एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। एक्टिविटी अपन मास, तो एक्टिविटी क्या हो गई बैकरल जो हमने पढ़ रखा है, और मास क्या हो गई केजी, तो बैकरल अपॉन केजी कि इतने मास के अंदर इतनी बैकरल एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब डिसइंटीग्रेशन, अनस्टेबल का न्यूक्लियस का स्टेबल में बदलना। तो इतने मास के अंदर इतने अनस्टेबल स्टेबल हो रहे हैं, समझ रहे हो आप बात। और अगर लिक्विड में है तो ये लीटर या मिलीलीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट। अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कोबाल 60 और रेडियम दोनों रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, ये इनकी लिख रखी है एक्टिविटी अपॉन मास, ये इनकी एक्टिविटी है। मास मैंने दोनों का 1 ग्राम लिया है। तो अगर हम बात करें कोबाल 60 की, तो इसका जो रेडिएशन डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम पर सेकेंड वो निकल के आता है 44 44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ठीक है, बैकरल कितना निकल के आता है 44 × 10 की पावर 12 बैकरल अपॉन 1 ग्राम की। 1 ग्राम कोबाल 60 इतना एक्टिविटी, इतने न्यूक्लियस, ये इतने न्यूक्लियस अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे। ठीक है, वही हम बात करें रेडियम 226 रेडियम 226 की, उसके अंदर 3.7 × 10 to power 10 3.7 × 10 की पावर 10 बैकरल 1 ग्राम के अंदर, जिसे हम क्यूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप किसकी ज्यादा है, 1 ग्राम कोबाल 60 आपके पास है, 1 ग्राम आपका रेडियम है, लेकिन रेडियम केवल 10 की पावर 10 बैकरल एक्टिविटी ही बता दर्शा रहा है। मतलब इसके 10 की पावर 10 न्यूक्लियस ही चेंज हो रहे हैं, लेकिन कोबाल 60 के 10 की पावर 12 न्यूक्लियस चेंज हो रहा है। इसको और पॉइंट में बदलोगे 10 की पावर 13 मतलब अप्रोक्स 1000 गुना ज्यादा न्यूक्लियस पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट होंगे कोबाल 60 में। तो कोबाल 60 की ज्यादा है, इसको ज्यादा है स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब कोबाल 60 कम एरिए के अंदर ही ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की ओर जाएगा और ज्यादा रेडिएशन इमिट होगी। तो हमें कोबाल 60 का कम क्षेत्रफल कम आयतन के अंदर ही हम उसको ज्यादा रेडिएशन इमिट करा सकते हैं। तो यही था गोल स्पेसिफिक एक्टिविटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।